गंजथाना पुलिस और मानव तस्करी विरोधी इकाई ने लौंगिया क्षेत्र से 9 बालकों को आरितारी के बालश्रम से मुक्त करवाया। मानव तस्करी यूनिट प्रभारी अशोक विश्नोई ने बताया कि विशेष अभियान के तहत मानव तस्करी विरोधी इकाई के साथ कार्रवाई की जा रही है। अभियान की शुरुआत में महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक अनुपमा टेलर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने जिले के समस्त बाल कल्याण अधिकारियों को विशेष अभियान के तहत अधिक कार्रवाई कर अजमेर को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का आह्वान किया। विश्नोई के अनुसार पश्चिम बंगाल निवासी ठेकेदार इन बच्चों को प्रतिमा 4,000 बतौर तनख्वाह पर लाया था। गंज थाना क्षेत्र में लौंगिया मोहल्ले में नाबालिग बालकों से बाल श्रम कराने की सूचना पर यहां पर आकर के चेक किया तो एक आरातारी पर काम करने वाली जगह पर 9 बाल श्रमिक से काम करवाते हुए पाए गए। इनको दस्तयाब किया गया है और इनका रेस्क्यू किया गया है। कौन है सर? ये पश्चिमी बंगाल से 24 परगना नॉर्थ जिले के लड़के हैं जिनको कोई ठेकेदार लेके आया है। इस बारे में जांच की जाएगी और संबंधित के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौन सी जगह है ये? लौंगिया मोहल्ला की एक जगह है और गली अभी एड्रेस वगैरह हम तस्दीक कर रहे हैं। भाई साहब, इनसे किस तरह का काम कराया जाता है, कितनी मजदूरी मिलती है? इनसे करीब 3 से 4 हज़ार रुपये प्रतिमाह मजदूरी दे करके और 12-12 घंटे काम करवाया जाता है। बच्चों की उम्र करीबन 6 साल से लेकर के 14 साल के बीच में है और बाल श्रम अधिनियम और जेजे एक्ट के तहत ये बाल श्रम करवाना अपने आप में अपराध है जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। कब से हो रहा है ये काम? काफ़ी समय से चल रहा है। हमें सूचना आज ही मिली थी और आज जो ही सूचना मिली हमने यहाँ पर दबिश दी है। संचालक साथ में, इसका नाम पता तस्दीक किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस को बताएंगे? स्थानीय पुलिस मेरे साथ में है, सादा वर्दी में है। स्थानीय पुलिस को साथ लेकर के आए कार्रवाई कराने। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।